हम ये कहते हैं ना गुस्सा हराम है, ये बात गलत है। गुस्सा हराम नहीं है, गलत जगह के ऊपर गुस्सा निकालना गलत तरीके से हराम है। गुस्से का क्या फायदा होता है कभी सीखा है? गुस्से का क्या नुकसान होता है कभी सीखा है? किसी ने सिखाया गुस्सा किस नेक्स्ट लेवल पे जाके इंसान को रिजल्ट ला के दे सकता है जो दुनिया के बड़े बड़े प्रिंसिपल्स ला के नहीं दे सकते? किसी ने सिखाया? और गुस्सा बनी बनाई चीज को कितना बर्बाद कर सकता है, क्या किसी ने सिखाया? जैद रदी अल्लाह उनके बेटे उसामा बिन जैद को अल्लाह ताला ने लश्कर जर्रार का जर्नैल बना दिया, मशहूर वाक्य है। और पीछे बड़े बड़े सहाबा और सीनियर सहाबा जर्नैल सहाबा खड़े कर दिए, लीड एक बच्चे को दे दी। क्यों? क्योंकि आगे जिसको मारना था उसके पास उसको मारने के लिए कोई उसूल नहीं चाहिए था भाई, उसको मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन चाहिए था बस। अल्लाह के रसूल की प्लेसमेंट देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े बड़े पीछे कर दिया और एक बच्चा आगे कर दिया कि एक एक जुनून चाहिए, एक जुनून, एक आग चाहिए, एक पहाड़ चाहिए इसको आगे गिराने के लिए, ये बड़े बड़े गिर जाएंगे इसको जलाना पड़ेगा। तो बड़े बड़ों को पीछे करके बच्चे को आगे कर दिया। क्यों? गुस्सा, क्योंकि उससे पहले उनके वालिद साहब का वालिद साहब की फौतगी हुई भी थी, तो वो गुस्सा तो कहीं, वो एनर्जी तो कहीं निकलनी थी ना, तो अल्लाह के रसूल ने उसको चैनलाइज करा अल्लाह के रस्ते के। और सूरह रात पढ़े अगर आप, तो अल्लाह ताला ने एक औरत की मिसाल दी है, वला तकूनु कल्लती नकदत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अमकासा, कि तुम उसकी तरह नहीं हो जाना कि जो जिस तरह जो है ना वो एक औरत अपना कपड़ा बुनती है और उसके बाद उसको जो है ना वो फाड़ देती है। तो गुस्सा जो है ना कभी कभी बनी बनाई चीज़ों को फाड़ के ख़त्म कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये आप तो माशाल्लाह 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 जवान खून और गर्म खून बैठा हुआ है, आप जानते हैं कितना गुस्सा होता है जिसमें ना इंसान को सही दिखता है ना इंसान को गलत दिखता है। कितनी चीज़ आप आज तक बर्बाद करके आए होंगे गुस्से के नाम के ऊपर, और कितने ही वो कुछ बर्बाद करके आए होंगे कि गुस्सा जहाँ करना था गुस्सा नहीं निकल सका, एक्सप्रेस नहीं कर सके। दोनों तीनों सिनेरियोस के अंदर इंसान की जो साइकोलॉजी है, याद रखेगा नफ्सियात, आप जो है सही जगह पे लगा दें तो एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। आप गुस्से को गलत जगह के ऊपर जो है ना चैनलाइज कर दें, गलत जगह के ऊपर उसकी एनर्जी निकाल दें, जो नुकसान होगा उसका खमियाजा जिंदगी भर भुगतेंगे आप। और आप अगर उसको जो है नहीं निकालेंगे तो आप जो है ना आपकी जो पर्सनालिटी और आपकी जो साइकोलॉजी है वो यू स्क्वीज हो जाएगी। आप बैठेंगे जकड़े हुए बैठेंगे, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, ये दिमाग जो है ना ये बंद नहीं होगा आपका, ये खाना आपके जिस्म को नहीं लगेगा, इतना आपके अंदर एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एग्रेशन निकाला नहीं है आपने जहाँ निकालना था, और ना सही निकाला ना गलत निकाला, अंदर रख दिया।